और वो कहते हैं कि सर कंधे में बहुत पेन हो रहा है, हाथ उठ नहीं पाता है, या हाथ हम शोल्डर को हेड के ऊपर से लेके जाते हैं तब बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बहुत बारी हम इसमें ट्रीटमेंट में अगर और नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के पास भी जाते हैं तो वो दवाई गोलियाँ दे देते हैं और उसके बाद में ट्रीटमेंट में बहुत बारी लेट हो जाता है। क्या होता है कि फिर पेशेंट्स को पेन कम भी नहीं होता है, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज सिखाता है, एक्सरसाइज से क्या होता है उनका और पेन बढ़ जाता है। जब हम एमआरआई कराते हैं या कोई सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि कंधे का मांस फटा हुआ है, जो पहले कम था अब वो बढ़ जाता है। अब अगर कंधे के मांस में हम देखेंगे तो एक तो बाहर के मसल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंटोइड मसल्स, एक होते हैं अंदर के मसल्स जिसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। अब रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं वो चार मसल्स का समूह होता है जो कंधे को ऊपर उठाने का काम करता है, ठीक है। तो जब ये मांस थोड़ा सा पटा रहता है या आधा पटा होता है या पार्शियल टेयर हम कहते हैं जो सोनोग्राफी में या एमआरआई में आता है, तब ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली इसको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। इसको आपको कुछ रेस्ट देना है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने होते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट अगर गलती से हमने उसमें और एक्सरसाइज की तो ये पार्शियल टेयर कंप्लीट टेयर बन के पूरा फट जाता है। अब पूरा जब फट जाता है तो ये रबर बैंड जैसा होता है। अगर हम इलास्टिक देखेंगे तो इलास्टिक हमेशा अंदर की तरफ खींचता है, एक जगह पे स्टेबल ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक्सरसाइज करते रहेंगे और ये पूरा टायर हो गया तो धीरे धीरे ये टायर प्रोपोगेट होता है, पहले आधे सेंटीमीटर से, फिर एक, फिर दो, फिर तीन। तो जो मास यहाँ पे लगा होता है वो धीरे धीरे यहाँ आता है और लास्ट में कभी कभी तो 6 महीने या 8 1 साल बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसका मास यहाँ फट के यहाँ तक आ जाता है, जो हम कहते हैं इसको मैसिव रोटेटर कफ टाइप, कि हम मैक्सिमम जो टेंडन था वो अंदर घुस गया, मतलब 5 सेंटीमीटर टाइप पर गया। ऐसे केसेस में हमको सर्जिकली इसको वापस लगाने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर फटा है तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, हम करते हैं इसको दूरबीन से सर्जरी, दूरबीन या लेजर ऑपरेशन आपकी भाषा में हम कहें तो। लेजर में हम सिंपल एक छोटा चीरा इधर, एक छोटा चीरा इधर, तो टोटल 4 या 5 छोटे छोटे चीरों में कंधे में हम अंदर जाते हैं, दूरबीन डालते हैं और जो भी मांस आपका फटा हुआ था उसको वापस से धागे आते हैं। ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पेच है, वैसे ही अंदर सूचर एंकर आता है। ये एंकर जो होते हैं ये हड्डी के अंदर आते हैं और उसमें से थ्रेड्स निकलते हैं। वो थ्रेड्स जो होते हैं वो हमारे पास जो इम्प्लांट्स आते हैं बढ़िया क्वालिटी के, वो इम्प्लांट्स को हम थ्रेड्स को इस सूचर से या जो भी टेंडन्स है उसमें से बाइट लेके उसको वापस से इस जगह पे फिट कर देते हैं। जब ये फिट हो जाता है तो बोन जो है वो टेंडन के साथ में जुड़ने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना लगता है। जब भी वो जुड़ जाएगा उसके बाद में वो टेंडन आपके बॉडी का पार्ट हो गया, उसके बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर ये मैसिव कफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर ये 5 सेंटीमीटर अंदर फटा है तब आपका जो हाथ है वो हाथ उठता भी नहीं है। पेशेंट ऐसे आते हैं कि भाई हाथ ऐसा नहीं है, अगर हम उठाने जाएंगे और हाथ पकड़ने के बोलेंगे हाथ गिर जाते हैं। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सूडो पैरालिसिस। बेसिकली नर्व्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर टेंडन इतना फट के अंदर घुस गया है कि उसमें हाथ में बिल्कुल ही पावर नहीं है और वो पूरा ही फिर जाता है। ऐसे केसेस को भी हम पूरा अच्छे से रिलीज करते हैं हर जगह से, उसको पूरा फिट करते हैं, जगह पे लगाते हैं और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस जो होती है टाइम टू टाइम, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में जब आपकी पूरी एक्सरसाइज का रिहैबिलिटेशन का प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाता है तभी आपका हाथ वापस से उठना शुरू हो जाता है और आप अपनी रूटीन में वापस जा सकते हो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही होगा कि अगर आपके रोटेटर कफ में या कंधे में दर्द है तो उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये यूजुअली 50 ईयर्स के बाद ही होता है। लोग बोलते हैं कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई, अब तो क्या है कंधा हो ही गया है, कोई भी चल जाएगा, बट धीरे धीरे करके ये पूरा फाड़ेगा और आपको पूरा खत्म करेगा कंधे में और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वापस से ठीक करना। तो इसको इनिशियली आप इसको ठीक कराएं, अपने स्पेशलिस्ट जो भी शोल्डर सर्जन है उनसे मिले और इसको प्रॉपर इवेल्युएट कराएं और टाइम टू टाइम इसको ठीक कर ले, चाहे नॉन ऑपरेटिव, और अगर पूरा फटा है तो ऑपरेटिव दूरबीन से बहुत ही ईजी ऑपरेशन होता है और बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच।